जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन जो कि कोर्स नंबर 2 है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो उसी का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हैं साथियों। आज का क्वेश्चन है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग यानी कि कब से कब तक? तो 1964 से लेकर 66 तक, यानी कि 64-66 वाला जो शिक्षा आयोग पारित किया गया था, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोठारी आयोग की प्रमुख अनुशंसा करते हुए यह समझाने का प्रयास करना है कि यह राष्ट्र के विकास में क्या योगदान करता है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों को इसको शिक्षा आयोग 1964-66, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम इसको आंसर करेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कोठारी आयोग 1964-66, या इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। यानी कि शिक्षा आयोग बोलिए या कोठारी आयोग बोलिए या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलिए, तो तीनों बात एक ही है। ये भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। यानी कि कोठारी आयोग, जिसको हम शिक्षा आयोग बोल रहे हैं, ये भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसमें अपने रिपोर्ट में समाज को बदलने के लिए एक ठोस सुझाव दिया। चलिए उसके बाद लिखता है आगे, आयोग ने 29 जून 1966 को अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। यानी कि शिक्षा आयोग ने आखिर कब अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, माने उसके अनुसार क्या क्या चेंज होना चाहिए, तो उन सभी बातों को 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रदर्शित किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां हैं। यानी कि टोटल बात करें तो टोटल कितनी पॉइंट्स है इसमें, 23 संस्तुतियां हैं। माने कि 23 नया बात बताया गया कि 1964-66 शिक्षा आयोग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसी 23, टोटल 23 जो है संस्तुतियां बनाई गई थी। इस आयोग में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब 23 संस्तुतियां तो टोटल है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है उसको नीचे दर्शाया गया है, जो अलग अलग सुझाव दिया गया शिक्षा आयोग में या कोठारी आयोग में। तो साथियों पहला क्या था, सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दिया जाना। यानी कि 1964-66 में ये जोड़ दिया गया कि सामान्य पाठ्यक्रम में, यानी सिंपल जो पढ़ाई होता है, उस बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित तो पढ़ना ही होगा। इसीलिए विज्ञान और गणित को एकदम स्टार्टिंग से ही एकदम लागू किया गया है। दूसरा जो है वो ये कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यवसायिक स्कूल में बदला जाए। यानी कि उसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये कि जो 25% माध्यम स्कूल है उसको व्यवसायिक स्कूल में बदला जाए, ताकि उस स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाए कि किसी भी बालक बालिकाओं को व्यवसाय कैसे करें या व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी दी जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी क्लास होती है, जैसे अगर प्राइवेटों का बात करें तो नर्सरी, LKG, UKG, अगर सरकारी में तो कक्षा फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो इन सब प्राइमरी कक्षाओं को मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। अगर हम लोग यहाँ मगही बोलते हैं तो मगही में शिक्षा देना है। अगर जहाँ पर भोजपुरी चलता है वहाँ पर भोजपुरी में उनको शिक्षा दीजिए। अगर जहाँ बांग्ला चलता है बांग्ला में दीजिए। मतलब कि वहाँ आसपास का जो आपको भाषा चलता है उसी भाषा में उसको सिखाने के लिए दिया गया, कि उसी भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए। चौथा पॉइंट्स है, 1 से 3 वर्ष के पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यानी कि 1 से 3 वर्ष के पहले प्राथमिक शिक्षा दी जाए। माने कि जो बच्चा का 1 से 3 साल है उससे पहले, यानी किसी का 2 साल है, किसी का 2.5 साल है, किसी का 3 साल होने वाला है, माने 1 से 3 साल तक के बीच को उसको प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी कि उसको बोल सकते हैं कि सिखाने के क्रम में, क्योंकि बच्चा जो है बोलने ही लगता है 1 साल के बाद लगभग कुछ ना कुछ, तो उसी के क्रम में उसको शिक्षा दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्तावित किया गया था। पांचवा पॉइंट है, 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन। अब पहले से तीसरे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि
जो क्लास वन वाला होता है, वन से पहले, जैसे कि आप बच्चे अपने बच्चे को जब वह 1 से 3 साल के बीच है, तो उसको जो है घर पे ही आप अल्फ़ाबेट या अक्षर का ज्ञान करा दें। तो ये सब शिक्षा जो है आप अपने घरों में बच्चे को प्रदान कर सकते हैं, और ऐसे ही बोला गया। लेकिन 6 वर्ष जब बच्चा का होगा तभी उसको स्कूल में पहला क्लास में एडमिशन होगा, ये यहाँ पे संशोधित किया गया। तो जो कि वो सबसे बड़ी बात है, 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। छठा है, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। और सार्वजनिक परीक्षा यानी कि जो सबसे ग्रुपिंग वाली एग्जाम्स होती है वो कब लिया जाए, तो 10 वर्ष यानी कि जब बच्चा 10 वर्ष पढ़ ले, यानी कि परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरा करने के बाद ही हो। यानी कि जो बच्चा, जिसे आप पहले सुने होंगे कि बहुत पहले 5वीं बोर्ड हुआ करता था, 5वीं में बोर्ड एग्जाम होता था, फिर 8वीं बोर्ड होता था, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम होते थे। कब कब, जब वो 10 वर्ष, जैसे 6 वर्ष में तो उसका एडमिशन हुआ, 7, 8, 9, 10, तो ये 6 वर्ष, ये हो गया 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 साल तो गुजार लिया था। इसीलिए 5वें साल में उसको 5वीं कक्षा में बोर्ड की एग्जाम्स होती थी। क्यों? क्योंकि वो जो है 10 साल 10 वर्ष का हो गया रहता था जब वो 5 क्लास में पहुंच गया होता था, तो इसीलिए 5वीं बोर्ड हुआ करता था, क्योंकि उसको 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही उसको एक सार्वजनिक परीक्षा हुआ करता था। नंबर 7 है, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद होना चाहिए। यानी कि 9 के बाद विषय का विभाजन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया कि 10वीं के बाद आप साइंस ले सकते हैं, साइंस साइंस में ही आप कोई फिजिक्स, कोई कॉमर्स, कोई मैथ से, कोई बायोलॉजी से, ऐसा आप विषयों का विभाजन यानी कि विषयों का बंटवारा आप कक्षा 10th के बाद कर सकते हैं। यानी 9 के बदले नहीं, 9वीं के बाद बदले उसको 10वीं करा बनाया गया कि 10वीं के बाद जब 11वीं में जाए तो आपको अलग अलग विषय विभाजन करके पढ़ना पड़े। फिर आगे है 8वां, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक है उच्च विद्यालय और एक है उच्चतर विद्यालय। यानी कि माध्यमिक विद्यालय को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं उच्च विद्यालय हाई स्कूल और एक को कहते हैं उच्चतर विद्यालय माने कि कॉलेज, उससे भी ज़्यादा। तो माध्यमिक विद्यालय को ये 2 प्रकारों में बांटा गया। फिर अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण तथ्य में क्या बताया गया। तो सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, याद रखिएगा 1964 का बात है, उस टाइम भारत का केंद्रीय सरकार कौन थे, भारत की केंद्रीय सरकार यानी केंद्र में सरकार जो थी वो दौलत सिंह कोठारी की थी। ये नाम ही था उनका, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो उन्हीं के अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई शिक्षा देने का उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो कोठारी आयोग हम लोग बोल रहे हैं, शिक्षा आयोग बोल रहे हैं, ये सन 1964 में भारत के केंद्र सरकार जो थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये शिक्षा प्रणाली को लाया गया था, एक नया आकार दिया गया था। इसी आयोग को हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। उस समय विश्वविद्यालय यहाँ है, इसको हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। और याद रखिए कि जो दौलत सिंह कोठारी जो थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि वो पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पे एक तरह का अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष घोषित किया गया था। इसीलिए उन्हीं के देखरेख में ये नई शिक्षा प्रणाली को लाई गई थी जो 1964 और
66 के बीच इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये साथियों बीएड फर्स्ट ईयर के कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन में शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के बारे में ज़रूर आता है, तो आई होप कि इसको अच्छे से आप समझे होंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहें इस चैनल से, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में अगले नए क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ। फिर दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।